नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी के कानपुर रोड स्थित कृष्णानगर थाना क्षेत्र से है, जहां श्री सहसेवीर मंदिर प्रांगण सहित भोलाखेड़ा में बड़े धूमधाम के साथ छठ पूजा मनाई गई। आपको बताते कि व्रती महिलाओं ने छठी मैया को विभिन्न पकवान एवं फलों का अर्पण करने के साथ साथ जल में साथ खड़े होकर अस्तुरे सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज पूरे देश में छठ महापर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र स्थित भोलाखेड़ा में श्री हनुमान छठ सेवा समिति की ओर से ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कहा जाता है कि छठ पूजा में पूरे नियमों के साथ व्रत रखने वाले व्रतियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को लेकर अलग अलग कई कथाएं हैं। आपको बता दें कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाए खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही छठ पूजा खासतौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। चार दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आपको बता दें कि महापर्व छठ को मनाए जाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। इसी क्रम में आज भोलाखेड़ा में छठी मैया और सूर्य देव के प्रति आस्था का सैलाब देखा गया। पवित्रता एवं आस्था के लोगों ने बड़े भक्ति भाव से इस पर्व को मनाया। सूर्य देव को संध्या अर्घ्य के दौरान व्रती महिलाओं के साथ पूरा परिवार सम्मिलित हुआ। कोई छठ पूजा में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कृष्णानगर थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह के नेतृत्व में भोलाखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज हिमांशु तिवारी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं मौके पर महिला पुलिस टीम भी मौजूद रही। वहीं किसी भक्तों को असुविधा ना हो तथा रोड जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए सिविल डिफेंस के लोग भी डटे रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों ओर छठ पूजा की धूम है और बड़े धूमधाम के साथ यह छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ा कठिन तपस्या इन महिलाओं ने की है इस व्रत को रखने में। इस व्रत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आप यही कृष्णानगर क्षेत्र की रहने वाली हैं? नहीं, हम ये आलमबाग में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पूजा करने आई थी? जी जी, हमारी मम्मी व्रत रहती है, वो पूजा करती है। तो आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया होगा? जी, हम उनकी बेटी है, सभी लोग, ये सब हम उनकी बहने हैं, सब हम लोग पूरा परिवार है साथ में। अच्छा, आप लोग बताइए इस पूजा को तैयारी करने में क्या क्या किया गया, कैसे कैसे तैयारियां की गई इस पूजा को होने में? 5 दिन लगते हैं जी। और सबसे पहले दिन जो होता है वो नहाए खाए होता है हम लोगों का, और नहाए खाए में मतलब मम्मी जो होती है हमारी, वो नहा कर ही खाना खा सकती है, चाय वगैरह जो भी पीना होता है वो सिर्फ दो ही टाइम खाती है, उसके अलावा वो नहीं खा सकती है। और नहाए खाए में खाया जाता है चने की दाल और लौकी डाल करके वो बनाई जाती है, और चावल दिन में खाया जाता है। दूसरे दिन होता है खरना होता है जी, उस दिन बनती है गुड़ की खीर और रोटी बनती है, वो भी चूल्हे पे ही बनती है, उसी की पूजा होती है। जब वो भोग लग जाता है तब हम लोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर निराजल व्रत होता है जी। फिर उसके बाद वो कुछ ना पानी पी सकती है ना कुछ खा सकती है, लगातार 36 घंटे तक जी। ठेकवा बड़ा महत्वपूर्ण प्रसाद है, उसको तैयार करने में क्या क्या करना पड़ता है? उसको तैयार करने के लिए देखिए, पहले दिन तो क्या नाम है, आटा वाटा हम लोग मतलब पूरी सफाई से करते हैं, उसको सानना पड़ता है, फिर उसके बाद बनाया जाता है, उसी चूल्हे पे ही बनाते हैं। निश्चित रूप से ठेकवा जो प्रसाद है, छठी मैया को चढ़ाया जाता है, सूर्य देव को चढ़ाया जाता है, इतनी पवित्रता के साथ सारे पकवान इतनी पवित्रता के साथ मनाए जाते हैं कि इस ठेकवा को बनाने के लिए गेहूं घर में धुला जाता है, उसको छत पे लोग सुखवाते हैं, एक चिड़िया भी न छूने पाए, वो जूठा ना हो, अपवित्र ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, लखनऊ से ही हूँ जी। पूजा देखने आई थी? नहीं, देखने नहीं, इस बच्चे की कुछ मानता थी तो उसको पूरा करने के लिए आई थी। और मैं इस पूजा के बारे में बस इतना कहूंगी कि ये पूजा सारी पूजाओं में सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि जो लिविंग गॉड है वो हमारे सूर्य देवता है और ये उसकी पूजा होती है। सूर्य देव ऐसे देवता है जो प्रतिदिन लोग उनको देखते हैं, दर्शन करते हैं। दोनों समय की पूजा होती है, उनके डूबने की और उगने की। डूबने के लिए इसलिए की जाती है कि आप समय पर डूबिए, उठने की इसलिए की जाती है कि समय पर उठिए आप। और ये पूजा मेरे हिसाब से एक रियल गॉड की पूजा है। निश्चित रूप से ये बड़ा आस्था का त्योहार है और इसी क्रम में आप लोगों ने यहाँ पर गीत वगैरह भी गाया होगा छठी मैया की, तो क्या कुछ सुना सकती हैं?
कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए लचकत जाए होई ना दु मतलब मुझे थोड़े ही साथ बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से जैसे कि बहन जी ने बताया कि बच्चे के मनोकामना के लिए कुछ मनौतियां थी, इसलिए जो है ये पूजा कर रही है, यहाँ पर पूजा में सम्मिलित हो रही है। निश्चित रूप से जो श्रद्धा भाव होता है छठी मैया सुनते हैं सूर्य भगवान, उस जी ये बच्चा उन्हीं की देन है, ये बच्चा उन्हीं की देन है, उन्हीं के प्रताप से उन्हीं की छठी मैया के आशीर्वाद से बच्चा इन्हें मिला है। बहुत खुश है और इस पूजा में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कृष्णानगर थाना क्षेत्र में भोला खेड़ा स्थित छठी पूजा स्थल जो यहां पर बनाया गया है, स्थानीय लोगों द्वारा बड़े धूमधाम के साथ लोग छठ पूजा मना रहे हैं और भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए रोड जाम की स्थिति न उत्पन्न हो, यहां की पुलिस लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए है। बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, पुलिस लगातार मुस्तैद है और सिविल डिफेंस के लोग भी श्रद्धालुओं के भक्तों के व्रतियों के उनके 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 उनका साथ देने के लिए यहाँ पर है, किसी को कोई समस्या न उत्पन्न हो। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ गणमान्य लोग हैं, भैया परिचय दीजिए अपना, छोड़ दीजिए इसे। हेलो, ये यहाँ पर आज 21वीं जन स्थापना दिवस छठ का मनाया जा रहा है। इसका स्थापक जो है टाटा स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद सिंह थे, जो कि आज यहाँ पर हनुमान सेवा समिति की तरफ से हो रहा है। आज भी 21वीं वर्षगांठ की मनाई जा रही है छठ पूजा का, और इसके अध्यक्ष श्री एसपी सिंह जी हैं इस समय तत्काल में। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा, नगर निगम प्रशासन मदद कर रहा, उसे करता रहे। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लगातार लगे हुए हैं, क्षेत्र के गणमान्य लोग लगे हुए हैं। चाचा आपका परिचय? मैं उमा शंकर शर्मा जी, सर इंद्रपुरी का निवासी हूँ और मैं भी इन लोगों के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर हमने ये देखा है कि इतना शांति प्रिय ढंग से हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम, सफाई कर्मी और हमारे भी जो लोग हैं वो तो पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें। जी जी, और आप लोगों का भी, और मेरी यही सबसे वो है कि छठ मैया सबको सुखी रखें, प्रसन्न रखें, सब लोग हंसते खेलते रहें, आपस में मिलजुल के रहें, सद्भावना बना रहे। धन्यवाद। इस समय भोला खेड़ा में पूजा स्थल पर है, आप देख सकते हैं बड़े धूमधाम से साथ पूजा मनाया जा रहा है, पूजा की उपासना की जा रही है, जो उपहार में क्या जा रहा है, इसी क्रम में माता जी क्या नाम है आपका, कहाँ यही रहते हैं भोला खेड़ा में, इस पूजा को लेकर क्या करना चाहती है? अरे हम सुना नहीं है, पूजा के समापन हो रहा है तो सुना दीजिए छठी मैया को लेकर। क्या सुना है? अरे बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं छठी मैया को, कोई भी सुना दीजिए गीत गाते। ये छठी का पर्व बहुत बहुत अच्छा होता है, इसमें जो भी मन्नतें मांगी माता रानी पूरा कर देती है और बहुत इसमें खुश इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि भोला खेड़ा में जय हनुमान छठ सेवा समिति की ओर से भक्तों के साथ पूजा मनाया जा रहा है। छठ मैया की लोगों ने उपासना की है, सूर्योदय को अर्घ्य दिया है। इसी क्रम में भाजपा नेता संदीप पाल जी यहाँ पर हमारे साथ है, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह तैयारियां की गई है। देखिये, हम लोग करीब 8-25 सालों से जय हनुमान सेवा समिति यहाँ पे छठ पूजा का कार्यक्रम कराती चली आ रही है और क्षेत्र में लगभग करीब 1,000-1,200-1,500 यहाँ छठ व्रती आती, महिलाएं आती, बहने आती, परिवार आते हैं हम लोग को, तो यहाँ पे छठ पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता है। बड़ी भीड़ भाड़ की स्थिति आती है, सामने रोड चलती रहती है, तो कोई अव्यवस्था तो नहीं? इसमें हम लोग का शासन प्रशासन पूरी तरीके से मदद करता है, हमारे जो सीओ साहब है, थाना है, एसपी साहब आए, सब लोग आए, दौरा किए हैं, पूरा पुलिस बल लगा हुआ। यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ते को बंद कर दिया जाता है, एक से ट्रैफिक डाइवर्जन हो जाता है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि यह छठ विगत 25 सालों से हो रहा है, हर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ बड़े शांति पूर्वक छठ मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, शासन प्रशासन भी हम लोग के साथ सहयोग करता है और बहुत अच्छे से छठ मनाया जाता है हम लोग। निश्चित रूप से इस पूजा का दीपावली के बाद से सभी को इंतजार था, हजारों की संख्या में कृष्णानगर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा छठ पूजा स्थल पर लोगों ने पूजा किया है,
सूर्य भगवान को अर्घ दिया है और इस तरह पुलिस प्रशासन के और स्थानीय के लोगों के सहयोग से इसे असुविधाओं का लोगों को सामना करना नहीं पड़ा। और आप देख सकते हैं कि इस पूजा में लोगों ने अपनी मनोकामना सूर्य भगवान को अर्घ देकर पूजा की है और वर्षों के आगे इस बार भी यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ सलीके के साथ यह पूजा हुआ है। सभी लोगों ने यह पूजा किया है। सहयोग सुनील कुमार पाल के साथ मैं विश्वकर्मा सिंह न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।